हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खेल स्टेशन। तो दोस्तों, आज का हम यहाँ पे मैच कवर करने वाले हैं LNS वर्सेस OVI। जो हमारा आज का मैच होने वाला वो होगा लॉर्ड्स के लंदन पर। तो गाइस, हम इस वीडियो बात करेंगे आपसे हमारे वेन्यू स्टेट्स के बारे में, पिच रिपोर्ट हम यहाँ पे देखेंगे, प्रोबेबल लाइनअप्स और हमारे क्या की प्लेयर आज के रहने वाले हैं। तो सभी चीज़ों को अब साथ में देखने के लिए आपको बने रहना है वीडियो में, और वीडियो को गाइस एंड तक देखना है, कोई भी आपको पार्ट मिस नहीं करना। कभी कभार क्या होता है, आप कुछ पार्ट मिस कर देते हो, लाइक मैंने आपको बताया कि उसके बॉलिंग फिगर ये थे एंड ऑलराउंडर में बैटिंग ये थी, तो आप वहाँ पर स्किप करोगे तो उसका बॉलिंग पार्ट, जो बॉलिंग वाला पार्ट है ना, वो थोड़ा सा मिस हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए आपको पूरा एंड तक बनाना, एकदम ध्यान से सुनना, अगर हो सके तो हाथ में पेन और पेपर पकड़ लेना, ठीक है। अब यहाँ से बात करेंगे सबसे पहले पिच की। तो अभी तक क्या देखा आपने, जो 100 में पिचेस चल रहे थे ना, वो एक लो स्कोरिंग थी, लेकिन जो आज का ग्राउंड है वो एक आपको हाई स्कोरिंग एनकाउंटर यहाँ पे दे सकता है। और यहाँ पे एवरेज अगर बात करो फर्स्ट इनिंग की, यहाँ पर जो लास्ट के 5 मैचेस गए हैं 157 के आसपास को यहाँ पर गया हुआ है। और अब यहाँ पे देखते हैं हमारे वेन्यू स्टेट्स। तो गाइस, वेन्यू स्टेट्स यहाँ पर T20 डोमेस्टिक के हैं, जो यहाँ पर को ब्लास्ट मैचेस खेले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे मिडल सेक्स, बहुत सारी यहाँ पे टीमें दिख जाएंगी, तो आप इसको अगर थोड़ा सा रीड थ्रो करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने वेदर, और यहाँ पर दोनों टीम्स का हम यहाँ पर फॉर्म देखेंगे, फिर देखेंगे इस पिच पर कौन सा यहाँ पर आपको गेंदबाज काफ़ी ज़्यादा रन या विकेट निकालते हुए दिखेगा। अब देखो, यहाँ पर वेदर से आपको एकदम साफ दिखाई देगा, कोई बारिश की संभावना नहीं है। अब चलते हैं फॉर्म की तरफ में। तो फॉर्म आप कह सकते हैं LS का थोड़ा सा एक आप उनको एक एडवांटेज है, उन्होंने 5 में से 4 मैच जीते और एक मैच उन्होंने बस हारा है। फिर बात करेंगे OI की, इन्होंने 5 में से अपने 2 मैच यहाँ पर को लॉस करें, और जो लॉस करें ना वो रिसेंट के मैचेस हैं, तो इसलिए इनका जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा वो थोड़ा सा लो होगा, और वो एक चीज़ इनको थोड़ा सा एक दिक्कत दे सकता है। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक, प्रोबेबल लाइनअप्स। तो ये आपको यहाँ पर ना हर एक प्लेयर को एकदम आराम से देखना है, मैं आपको बताऊँगा कौन सा प्लेयर आपको रन करके जाएगा कौन सा नहीं। सबसे पहले LNS से स्टार्ट करते हैं। एडम रॉसिंगटन विकेट कीपर हैं, और आपके ग्राइंडिंग में कैप्टन वाइस कैप्टन भी बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं मैं आपको बताऊंगा, एक तो ओपनिंग करने आएंगे और साथ में कीपिंग करेंगे। कीपिंग के मान लो अगर इन्होंने 2 कैची पकड़ लिए या एक स्टंपिंग एक कैची कर लिए, तो आपको 12 से आपको 20 पॉइंट के आसपास यहाँ पर आराम से मिल जाएंगे, तो एक उनके पास एडवांटेज है। और अगर बैटिंग में आपको 30 रन यहाँ पर आराम से करके देके जाते हैं, तो गाइज आपको करीब 60-70 पॉइंट्स का एक प्लेयर बन जाएगा। और गाइज यहाँ पर को 60-70 पॉइंट जो एक प्लेयर देके जा रहा है, काफ़ी अच्छा आपके लिए पिक हो सकता है। अब यहाँ पर देखो, डैनियल बेल ड्रमंड है जो एक आपको ओपनिंग करते दिखेंगे, बेन एम्सी डेरमोट है, अगर आपने इनका BBL में फॉर्म देखा काफ़ी शानदार है। अभी यहाँ पर को इनको 100 में थोड़ा सा एक टाइम लग रहा है, लेकिन अब बात करेंगे डैनियल लॉरेंस की। तो इस लॉरेंस अब यहाँ पे देखो फैंटेसी में, अब लास्ट मैच 4 विकेट निकाल के, अब हर मैच है तो 4 विकेट नहीं निकाल सकते, तो इसलिए आज क्या करेंगे लोग, इनको CVC करेंगे, लेकिन CVC तो नहीं, लेकिन हम इनको अपनी टीम में जरूर लेके जाएंगे, क्योंकि प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, बॉलिंग पूरी यहाँ पे करा लें, तो इसलिए हम यहाँ पर इनको लेके जाएंगे। अब बात करते हैं इयान मॉर्गन एज ए कैप्टन है, और गाइस यहाँ पर का इसकी जो कप्तानी है उसमें थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर कमी दिखाई दे रही है। इनका अगर आप फॉर्म देखोगे, इनका फॉर्म जो 100 में वो एक थोड़ा सा डिसेंट है, लेकिन एक आप कह सकते हैं अनप्रेडिक्टेड एक ये प्लेयर है। करण प्लाट एक हिटिंग करने के लिए अपने जाने जाते हैं, और यहाँ पर कोई एक लेट फिनिशिंग यहाँ पर कर सकते हैं। जॉर्डन थॉम्सन एक काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, एक मैच में इन्होंने भी यहाँ पर 4 विकेट निकाले थे, लेकिन उसके बाद से वो जो फ्लो था ना वो अभी तक नहीं बन पाया। फिर बात करेंगे लियाम डाउसन की, नाथन एलिस एंड क्रिस वुड, मैसन ग्रीन, आपको ये दिख जाएंगे इनके मेन बॉलर। अब चलते हैं हम OVI की तरफ में। जैसन रॉय पहला नाम आएगा, एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, लेकिन यहाँ पर कोई एक जो इनका डोमेस्टिक यहाँ पर 100 है ना, वहाँ पर को इनका बल्ला अभी तक नहीं चला। विल जैक्स की बात करें, हमारे की प्लेयर्स हो सकते हैं आज के मैच के लिए, रिले रोसो को आप एक ऐसा डिफरेंशियल CVC आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। जॉर्डन कॉक्स, फिर यहाँ से बात करेंगे सैम बिलिंग्स की, और यहाँ पर कप्तान भी है, विकेट कीपर भी है, लेकिन मैं इनको ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको कॉक्स को लेने के लिए राय दूंगा। सैम करन, टॉम करन, दोनों आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, दोनों भाई। और कई सैम करन की अगर बात करूँ CVC पिक रहते हैं, रीजन आपको बताता हूँ, इनका जो बैटिंग है ना इनको ऊपर प्रमोट किया जाता है, और बॉलिंग भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी करा लेते हैं। फिर उसके बाद देखोगे पीटर हेडजुल ग्लो और मैट मिल्स, डैनी ब्रिक्स एंड नाथान सॉर्टर, तो ये होंगे इनके एक मेन बॉलर्स। अब बात करेंगे हम इनके की प्लेयर्स की, तो की प्लेयर्स में सबसे पहला नाम आएगा डी लॉरेंस का, आपको रीजन मैंने बता दिया है, एक टॉप ऑर्डर में बैटिंग और यहाँ पर कोई एक विकेट टेकर, एक बॉलर आपको दिख जाएंगे।
अगर बात करूँ यहाँ बैटिंग से, तो इन्होंने यहाँ पे 4 मैच अपने एक मिडल ऑर्डर के बैट्समैन ने 95 रन करे हैं और 23 का इनका एक एवरेज है। तो गाइज अगर मान लीजिए 23 पॉइंट आपको देके जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छे पिक हैं और साथ में एक विकेट भी निकालते हैं तो एक आपके लिए डिसेंट पिक आज के लिए रहने वाले हैं। अब बात करेंगे विल जैक्स की, इन्होंने यहाँ के 5 मैच खेले हैं, 205 रन कर दिए और जो इनका एवरेज है ना 51 का है। स्ट्राइक रेट की बात करूँ 186 का स्ट्राइक रेट चल रहे हैं, एक सेंचुरी और एक हाफ सेंचुरी। तो गाइज एक शॉर्ट फॉरवर्ड आप इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी टीम के लिए तो काफ़ी अच्छा आपके लिए एक मोटिव दिखाई देता है यहाँ पे। और फिर सेकंड चीज़ जो एक अपनी टीम के लीडिंग रन स्कोरर भी है। अब चलते हैं टॉप पिक्स में ऑलराउंड की तरफ में। सैम करन, जैसे मैंने आपको बताया टॉप ऑर्डर में इनकी बैटिंग को इनको प्रमोट किया जाता है और साथ में बॉलिंग भी यहाँ पे करा रहे हैं। थॉम्सन अपनी टीम के लिए एक लीडिंग विकेट टेकर हैं, उन्होंने अभी तक यहाँ पर 10 विकेट ले लिए 6 मैचेस में। एवरेज की बात करूँ 17 का इनका एवरेज और इकोनॉमी यहाँ पर को थोड़ा सा आप देख सकते हैं ज़्यादा है, 9 के यहाँ पर एक इकोनॉमी चल रही है। अब आएंगे हम अपने बॉलर्स की तरफ में, तो यहाँ पर कोई एक मैसन क्रेन है जिन्होंने 6 मैच में 6 विकेट लिए हैं। इनका जो स्ट्राइक रेट देखो यहाँ पे उतना कुछ खास नहीं है। और अगर बात करते हैं फिर टॉपिक्स में विकेट कीपर की, जॉर्डन कॉक्स, जो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे मैं सैम मिलिंग से ज़्यादा प्रेफर इनको करूँगा। एडम रॉसिंगटन को भी आपको लेके जाना है गाइस, बाकी फाइनल टीम्स में आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। और आपको एक प्लेयर की फैंटेसी भी यहाँ पे खेलनी है, वो प्लेयर भी आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा वो कौन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर को देखो कॉक्स का अगर आप फॉर्म देखते हो, इन्होंने 180 रन करे 4 इनिंग में और जहाँ उनका एवरेज था 60 का। और सबसे एक अच्छी बात ये ना, अभी तक 30 रन से पहले आउट नहीं हुए, तो आप समझ रहे 30 रन का एक क्या इंपॉर्टेंस रहता है। जब आप फैंटेसी खेलेंगे 30 रन अगर जब एक प्लेयर करता है T20 या फिर एक शॉर्ट फॉर्मेट में, वहाँ पर को आप एक बोनस पॉइंट मिलता है, तो वो चीज़ आपको एक ये देके जाएंगे, तो इसलिए हमारे लिए काफ़ी अच्छे पिक हमारे बन जाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपने टॉस विनर और मैच विनर की तरफ में। तो गाइस टॉस विनर यहाँ पे LNS होगा और मैच विनर ना मैं आज यहाँ पे फिर दोबारा से चेज वाली को पसंद करूँगा। रीज़न आपको बताता हूँ, क्योंकि एक हाई बैटिंग यहाँ पे क्लैश हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर को रन काफ़ी ज़्यादा बनेंगे और जो है चेसिंग वाली टाइम है ना वहाँ पर कोई काफ़ी अच्छा काम करके जा सकती है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने चेस थोड़ा फेवरेट लेके जा रहा हूँ, बैट फर्स्ट में उतना ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और जिसने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो गाइस सब्सक्राइब जल्दी से कर देना।